बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। उसके लिए हम क्या लेंगे, एक कटोरी मैदा, इसका हाफ शुगर ली है, और ये बॉर्नविटा लिया है 4 चम्मच, और ये रिफाइंड ऑयल है 25 ml है, करीब 4 चम्मच के बराबर, छोटे 4 चम्मच। ये है बेकिंग पाउडर के एसेंस है, वेलिंडा एसेंस, और ये सोडा, और हमने मलाई ली है और दूध लिया है। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, मैदे के अंदर हम बॉर्नविटा ऐड कर देंगे। और फिर हम सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा लिया है हमने 1 चम्मच बराबर, 1 टीस्पून। इस सबको छान लेंगे, पर मेरा बॉर्नविटा थोड़ा सा कड़क हो गया है तो इसलिए हम छान नहीं सकते, इसको ऐसे ही मिला रही हूँ, आप छान लेना। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम लेंगे ये मलाई, अब मलाई में ऐड करेंगे शुगर। शुगर को पीस भी सकते हैं पर मैंने ऐसे ही ले लिए हैं, और इसीलिए पहले हमने ये लिया है ताकि शुगर घुल जाए इसमें, और ये रिफाइंड ऑयल डालेंगे। थोड़ी देर चलाएंगे हम ताकि शुगर हमारी थोड़ी घुल जाए। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके जो हमने तैयार किया था मैदे में, सब जो चीज़ें डाली थी। अब थोड़ा सूखा हो गया है, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। मैंने इसमें दूध डाल के पतला कर लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, और अच्छे से खूब चाला है इसको। अब हम डालेंगे वेनिला एसेंस, अगर आपको वेनिला एसेंस नहीं पसंद हो तो आप दूसरा एसेंस डाल सकते हैं जो आपको फ्लेवर पसंद हो। वेनिला एसेंस स्किप कर दो अगर आपको नहीं पसंद हो तो, इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप इलायची डाल दो। इतना पतला होना चाहिए, मैंने करीब 1/2 कप दूध मिलाया है, कम ज़्यादा दूध मिला सकते हैं इतना पतला करने के लिए, क्योंकि मलाई में भी थोड़ा दूध था। अब हम एक केक पॉट लेंगे और उसमें तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद इस पर बटर पेपर लगाएंगे, पर मेरे पास है नहीं तो कागज़ ही लगा लेंगे, उसको मैंने सही से काट लिया है। अब हम इस पर तेल लगाएंगे फिर से, मैंने अच्छे से तेल लगा दिया है। अब हम इसमें सारा मीटर डालेंगे, हमने पूरा डाल दिया, सेट करेंगे थोड़ा, और अब गैस जलाएंगे और हम सेकेंगे तपेले में। तपेले के अंदर हम ये स्टैंड पहले रख देंगे, फिर हम ये पॉट रख देंगे।
फिर हम मीडियम फ्लेम पर एक मिनट तक के ढक कर उसे होने देंगे। थाली ढक दें और एक मिनट तक के इसे होने दें ताकि टेम्परेचर सेट हो जाए। मैंने तपेले के अंदर रख दिया है, अब ढक देते हैं इसको 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, हम खोल के देखेंगे। टूथ पिक की मदद से हम देखेंगे। हमारा बन गया है, पूरा बेक हो चुका है, बेक हो चुका है। हमने चेक कर लिया है, हम अब इसे निकालेंगे। हमने इसे निकाल लिया है, इसे ठंडा होने देते हैं। हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है और ओरियो बिस्किट लिया। ओरियो बिस्किट के ये ध्यान से धीरे धीरे निकालें। अब इस तरीके से जमा लें और इसको धीरे धीरे फोल्ड करें। अब इसको हम बीच में से कट कर देंगे। और इस चॉकलेट को हम मेल्ड कर लेंगे। मैंने केक निकाल लिया है, अब इसे भी निकाल दें। हम इस पर चॉकलेट डालेंगे जो मेल्ड कर ली थी। सब तो फैला देती हूँ मैं। मैंने जो फूल बनाए थे वो भी रख दिए हैं। और अब मैंने ये बादाम काजू को थोड़ा सा कर दिया था पारी। मैंने चॉकलेट चॉप कर ली थी, इसको हम डालेंगे। ये पूरा रेडी है। हमने इसको चॉकलेट से और ओरियो बिस्किट के अंदर के क्रीम से फूल बनाए हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।